तो मैंने बोला कि आप बिल्कुल रेस्ट करो, मुझे निकलना भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि निकलूँ कि ना निकलूँ, मन में असमंजस जैसी स्थिति है कि क्या करूँ, जाऊँ कि आज घर पे ही रह जाऊँ, कि मेरे जाने के बाद कुछ ऊपर नीचे थोड़ा हुआ, क्योंकि इस समय होना बहुत ज़रूरी होता है। मॉर्निंग दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक है। बस वही, आप जानते हो अंकिता की प्रेगनेंसी के कारण उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बार बार वोमिटिंग, 2-3 दिनों से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि वो मतलब कमज़ोर जैसा फील कर रही। डॉक्टर से बात किया है हम लोगों ने, डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं। वैसे उन्होंने एक वोमिटिंग का टेबलेट दिया हुआ था पहले से ही, और उन्होंने बोला था कभी ज़्यादा ऐसा हो तो खा लेना। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर ऐसा होता तो आप खा लेना, बाकी सब ठीक है। बस यही होता है, जब वोमिटिंग होता है तो पूरा बॉडी मतलब खींच के बाहर आ जाता है। इस तरीके से उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है मुझे। बाकी डॉक्टर के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। और आपको दिखा दूँ मैं कि इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने दाल, और इसमें है चावल मेरा, और इसमें है साग, और ये कुकी का खाना भी मैंने लगा दिया है। लेकिन कुकी क्या है, अंदर घुस के अभी सो रही है, तो मैंने सोचा अभी डिस्टर्ब ना करूँ, उनको सोने देता हूँ। जब कुकी उठेगी, क्योंकि अभी मैं डाल दूंगा खाना तो उसको लगेगा पुराना खाना, वो टच भी नहीं करेगी उस खाने को। और मैं मिलवाता हूँ आपको अंकिता से, अभी मिलवा तो नहीं पाऊँगा, वो सो रही है। लेकिन आप देखिए, ये डार्लिंग ये सो रही है। तो मैंने बोला कि आप बिल्कुल रेस्ट करो, मुझे निकलना भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि निकलूँ कि ना निकलूँ, मन में असमंजस जैसी स्थिति है कि क्या करूँ, जाऊँ कि आज घर पे ही रह जाऊँ, कि मेरे जाने के बाद कुछ ऊपर नीचे थोड़ा हुआ, क्योंकि इस समय होना बहुत ज़रूरी होता है। इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। अभी कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही हम लोग का रहा, तो इस कारण वो ब्लॉगिंग में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि इस सब इन सब कंडीशन में वो ब्लॉगिंग में इन्वॉल्व हो और फालतू का ये सब चीज़ें लेके जाए और तबीयत ख़राब हो। तो आप लोग सब कुछ समझ सकते हो, ये सब चीज़ें इसमें कॉमन है। होते तो डॉक्टर के हिसाब से कि ठीक है, लेकिन जिसके साथ होता है वही फील कर सकता है कि कितना ज़्यादा प्रेशर बनता है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सिचुएशन कितना ज़्यादा ख़राब होता है। वो लेटी हुए मैं सिर्फ फील कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस प्रॉब्लम को अपने अंदर नहीं ले सकता। तो मैंने बोला कि आप रेस्ट करिए, खाना खाने का टाइम हो चुका है, लेकिन मैंने बोला कि थोड़ा सा और रेस्ट कर लो, जब अच्छा लगे तो मुझे बताना। खाना तैयार है, खाना बना के मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब जब उठोगी तो खाना बढ़िया मैं आपके लिए निकाल दूंगा, और मुझे निकलना है, उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि ये खाना खा ले। तो दोस्तों जैसा होगा, अगर अच्छे लगी तो इनके साथ फिर आपसे मिलते रहेंगे। दोस्तों फाइनली अंकिता उठ गई, आप देख सकते हैं मुझे इतना अच्छा लग रहा है खाने को लेके। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे निकलना है, खाना खा लो, तो ये उठ गए और अपने पसंद का देखिए क्या क्या किया। टमाटर डिमांड किया कि आप मेरी चटनी बना दीजिए तो मैं खाऊंगी, तो मेरे लिए चटनी बनाए और ये थोड़ा सा पापड़ तल लिया, ताकि ना कुछ मतलब इंटरेस्टिंग बना के खाने का मन कर रहा है, खाने का ही मन नहीं कर रहा, तब इसके साथ खाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह से ना मैं अकेला अकेला फील कर रहा था। मैं सो ही रहती तो इनके पास कोई नहीं रहता बात करने के लिए। तो आगे आगे कैमरा से बात करते हैं आप। हाँ। दोस्तों फाइनली हम लोग खाना लग गया है, फाइनली मैं खाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पर तो थोड़ा लगा दीजिए, रोशनी आती है ना, अब इन शक्ल भी देख सकते हैं कैसा मेरा बिल्कुल ना वो करना हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ मेरे पति के लिए खूबसूरत लग रही हूँ, मेरे को तो बस तुम्हारा उठना ही मेरे लिए खूबसूरत। हाँ क्योंकि मैं सो जाती हूँ ना, मैं तुम्हारी कोई तबीयत खराब लग रही है, मैं सो रही हूँ, तो अभी वो भी क्या करेंगे यार, हम दोनों तो ये ना कुछ गपशप करते हैं, बातें करते हैं। सो रही थी, ब्लॉगिंग किया, तुमको पता चला होगा कि नहीं चला होगा। हाँ नहीं सुनाई दिया था मुझे। हाँ तो मतलब मैं को सुबह से ऐसा लगा था कि मैं अकेले हूँ, डल डल पड़ा हूँ कोने में, अब तुम उठ गए तो अलग सा चहचहाट फट गया घर में। दोस्तों तो फाइनली अब हम लोग खाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि थोड़ा चटनी का सोच के ना मुझे मन किया खाने का, तो मन ही नहीं कर रहा था, मुझे दवाई वाई भी खाना है, प्रेग्नेंट हूँ और भूखे रहना ये भी सही नहीं है। तो फिर मैं सोची चलो उठते हैं थोड़े सब खाते हैं, मैंने बोला चटनी बना देंगे, तो फटाफट उन्होंने चटनी वटनी बना दी, तो हम लोग खाते हैं, फिर जितना टाइम बचा हो थोड़ा गपशप वपशप करेंगे, फिर ये भी निकलेंगे, फिर मैं तो आराम करती ही रहूँगी, तो मिलते हैं बाद में। ओ कुकी के पापा आ गए, कुकी के पापा आ गए। हाँ क्योंकि कि पापा आ गए। हाँ क्योंकि अरे अरे हार्ट अटैक, इसको तो हार्ट अटैक आने जाता है। आराम से बेटा, आराम। हाँ हाँ बेटा, ऐसे कौन वो करता है, आराम से। बीपी हाई लो कर लेती है। ये क्या क्या लेके आया जानू? ये तुम्हारे लिए वो जो तुम बोली थी, खोवा। खोवा मंगवाया था। और ये बाजार बनाने वाला सैसे। हाँ यही बता लो, देख लो सैसे क्या होता, साचा। सैसे है ना? हाँ 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 साचा। हाँ यही है, ठीक है। ये हमारे बच्चे के लिए क्या है, ये अच्छा अंडा है और दूध दही, और बाजार से होते हुए आ रहा था मटर भी 1 केजी ले। हाँ ठीक है, ठीक है। तो कुछ कुछ सब्जी में बनता रहता, अच्छा लगता रहता। हाँ हाँ ठीक है। और आपकी तबीयत का क्या हाल है? तबीयत ठीक ठाक है मेरी। अच्छा नहीं, ये टी शर्ट क्या है, उल्टा पहने है क्या?
अच्छा नहीं, अच्छा 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 यहाँ से लगता है मैं भी तो वर्क वीडियो शूट कर रहे थे तो उल्टा टी शर्ट में किए, लेकिन नहीं ये अंदर। हाँ भाई भाई तो कुकी कुछ देते थे तो कुकी कुछ दीजिए, मैं भी चाय बनाती हूँ। बहुत वीडियो बहुत खराब आ रहा है खूब ज्यादा वो। हाँ ये ठीक है ठीक है, पूरा खराब हो गया। नहीं ठीक ठाक हो गया, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, बाद में मिलते हैं अपन। ओके तो मेरे पति देव जी फ्रेश फ्रेश हो गए हैं, तो मैंने डार्लिंग के लिए फटाफट, उनको चाय पीने का मन था लेकिन मैंने अपने पति देव के लिए, देख लीजिए, देखिए पत्नी का प्यार, ये लीजिए। आपने चाय मांगा, चाय मांगो हम पकौड़ा देंगे, आगे कोई राय नहीं है। पति का प्यार क्या? नहीं भाई ना, नहीं ऐसा पत्नी प्यार करे तो ठीक है, पति प्यार करे तो उसके पति भी पति का प्यार तो भाई महान है ना। पूरा प्यार मुझे ही दे दियो क्या? नहीं नहीं बचा हुआ है चाय, बचा हुआ प्यार है तो लेके आओ बिल्कुल। तो यहाँ बैठ 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 पर हो, मेरे बाल भी बिखरे बिखरे, कोई बात नहीं। मैंने बढ़िया देखिए, और मेरे पति की पसंदीदा सॉस मियोनी सॉस, और ये है तंदूरी सॉस है ना। हाँ ये सब ज्यादा खाना चाहिए दोस्तों, इससे हेल्थ ना बहुत अच्छा रहता है आपको, कभी हार्ट का डिजीज नहीं होगा। हाँ। हमेशा स्वस्थ रहोगे, तो खासकर मियोनीज खाना ही चाहिए। हाँ मियोनीज भर भर के खाओ, उसकी हेल्थ बहुत ही चुस्त दुरुस्त रहती है। एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एक्सरसाइज भी मत करो बिल्कुल, ये चीज खा रहे हो तो एक्सरसाइज तो करना ही नहीं चाहिए। भर भर के पकौड़े खा रहे हो, नो एक्सरसाइज, ये बिल्कुल बढ़िया है। आप खा के बताइए कैसा जानो, मजेदार मजेदार। तो मेरे पति देव जी करते रहेंगे नाश्ता, और मैं दिखा दूं ये अभी भक्ति हुए गए हैं, लेके आए हैं, ये है छुटका सा गिफ्ट छोटे से बच्चे के लिए, जैसे हमारे बगल में है नन्नू, तो उसका बर्थडे है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा केक काट रहे हैं, तो सिर्फ केक काटेंगे ऐसा है, ज़्यादा सेलिब्रेट करने का प्लान नहीं था उनका, तो उनका मन था कि बस आपस में ही थोड़ा, बस बच्चे का बच्चा छुटकू सा है तो सेलिब्रेट कर लेते, तो फटाक से उसके लिए ये गिफ्ट लेके आ गए। और वो दो भाई हैं, तो छुटकू के लिए दोनों चॉकलेट मेरे पति देव जी लेके आए हैं, तो अभी भाई मैं जाऊंगी तो फिर आऊंगी, तब फिर आप लोग से मिलूंगी। ये दोस्तों तो मैं दिखा दूं रात के कितने बज गए हैं, 12 बज गए हैं, और मैं बता दूं कि बगल में मेरे रूम के बगल में भाभी का रूम है, वहाँ पे बर्थडे था, तो बर्थडे में मैं गई थी और फिर आ गई थी, उसके बाद हम लोग शॉर्ट शूट करने में लग गए थे। बच्चे का बर्थडे था, वो क्या हुआ कि भाभी की भी मेरी तबीयत थोड़ी कुछ दिन से ख़राब है, जिस कारण मतलब कि कोई सेलिब्रेट नहीं किए थे, बस ये था कि हाँ बच्चा आया तो कहीं बर्थडे कहीं ना फीका फीका ना जाए, तो बस उन्होंने केक काट दिया, और आपस में ही बस जो अपने अपने लोग थे उनको बुला लिया, केक काट दिया, तो सेलिब्रेट कर लिए, और हम फटफट जो भी इनके हाथ लगा गिफ्ट वो लेके आए, क्योंकि बिल्कुल उनका बिल्कुल प्लान नहीं था बर्थडे बनाने का, बिल्कुल अचानक से उनका प्लान बना, क्योंकि उनकी तबीयत भी खराब चल रही थी, इस कारण ऐसा हुआ थोड़ा सा। तो फिर बर्थडे अटेंड करके मैं आई, और स्पेशली मेरी कुकी इनवाइटेड थी, तो वो भी गई, वो भी बर्थडे सेलिब्रेट करके आई, हम दोनों गए आए, और फिर हम लोग केक खाए, मजे किए, मैं पति के लिए बटोर के लेके आई, है ना डार्लिंग, है ना। देखिए मैं कैसे पत्नी हूँ, उसकी बटोर के केक लेके आई थी, अरे ठूस के ढम ढम करके खाए हैं। फिर उसके दोनों शूट में लग गए, तो लेट हो गया, तो अब जाके मिला है टाइम, मेरे पति देव है भूखे बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा भूखे हैं मेरे बेचारे पति देव। तो हम लोग ने आई, आज मेरी भी तबीयत लो ही है, जिस कारण क्या डिसाइड था कि रोटी वोटी नहीं खाएंगे, चावल खाएंगे, पहले से प्लान था। तो मैं दिखा दूँ ये क्या है, भरता दाल और चटनी, ये है लीजिए डार्लिंग, और मैं चावल लेके आती हूँ गर्म गर्म। हम लोग पहले से डिसाइडेड था कि चावल खाएंगे, रोटी का नामो निशान नहीं था, ऐसा नहीं था कि लेट हो गया तो रोटी, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग रात रात कुछ भी बना लेते, बिरयानी भी बना लेते हैं, मन करता है मूड करता है तो, ये गर्म गर्म चावल मूड क्या करता है, बिरयानी के लिए कोई मूड है क्या, आज बनाओ कल बनाओ डेली खाऊंगा बिरयानी। कुकी के लिए तो आता है, कुकी को चुरा चुरा के आप खा लेते तो खा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन क्रिसमस आ रहा है डाली, तो मैं क्रिसमस में बनाते हैं बढ़िया, चिकन उकन मटन वटन नॉनवेज के लिए तो डेली लाओ यार। हाँ तो दिखाइए क्या क्या है, ये दाल फ्राई है, ये चटनी है, ये भरता, जब से इन्होंने ऐसे हम लोग मतलब कैसे कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ये भरता है दोस्तों, लेकिन ये दूसरा भरता है, एक भरता होता है जिसको टमाटर मटर के फ्राई करके उसमें बनाते हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ क्या है कि उसमें गैस में इसको भूना है, और सिर्फ सरसों तेल, कच्चा सरसों तेल और कच्चा प्याज और लाल मिर्च को भूंज के मिक्स करके आप जो बनाते हैं नमक डाल के, सिर्फ वैसा वाला है, तो इनको बहुत पसंद आता है। अगर खाने का बहुत मन था तो मतलब ठीक है, मुझे भी लाइट खाने का, मुझे सिर्फ सिंपल दाल चावल खाने का मन था, क्योंकि मुझे बिल्कुल लाइट खाने का मन था, तो ये डिसाइड हुआ। मैं बता दूँ, हाँ ये जो मेरा मेकअप है उसी की देन है, मैं शॉर्ट शूट कर रही थी ना, तो आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा, ठुमके लगाइएगा, जो भी करना करिएगा, है ना। तो काफ़ी रात हो चुकी है, तो हम लोग फटाफट खाते हैं दोस्तों, आराम करेंगे, मजे करेंगे, जो करना है करेंगे, तो मिलेंगे आपसे कल। आई होप कि हम लोग के ब्लॉग आप लोग को अच्छे लगते होंगे, अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमें ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती
मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।